वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैक्सवेल स्टडी हब। और इन्वेस्टिगेशन अभी भी स्टार्ट है, अभी रुकी नहीं है। अभी किसको ढूंढना है? जीन को ढूंढना है। कहाँ पर रुके थे? क्रोमोसोम्स पे। तो चलो क्रोमोसोम देख लें। मैंने आपको बोला था कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में देखो डम्बल शेप दिख रहा है, वो डम्बल शेप को मैंने अभी जूम किया। मैंने उसको बोला कि तुम हमें बताओ क्योंकि माय स्टूडेंट्स आर सर्चिंग फॉर दैट जीन, सो यू हैव टू ओपन अप। तो वो हमारे पास आया और वो एक्चुअली ऐसा दिखता है। This is the chromosome. अब क्रोमोसोम के बारे में एक और मैं बात बता दूं कि आपके पास 23 pairs present है। आपके पास है, don't get surprised। 23 मम्मी ने दिया, 23 पिताजी ने दिया, combine होके 46 बने। 23 pair is equal to 46 क्रोमोसोम आपके पास present है। So, क्रोमोसोम आपके पास क्या है? 23 pairs में आपके पास present है। इस पर मैं फिर से आऊंगी at the end of this video। Now, अब ये क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर को समझना है और घबराओ मत, अभी आपको जीन पता चलने वाली है। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्रोमोसोम कैसा है? बहुत ही कॉइल्ड है, एकदम कॉइल्ड। ये ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्यों है? अगर आप इसको कॉइल्ड नहीं करोगे, एकदम डेंसली इसको एकदम कॉइल्ड नहीं करोगे, आप अपने बॉडी में इसको रख ही नहीं पाओगे। हमारे पास इतने सेट हैं। तो अगर अब मैंने क्या बोला? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को खोलोगे तो आपको मिलेगा डीएनए अलोंग विद द प्रोटीन। एक प्रोटीन का बोला है, समझ लीजिए ऐसा, और उसके ऊपर डीएनए को घुमाया गया है, पूरे डीएनए को घुमाया गया है, जो एकदम प्रॉपर्ली पैक किया गया है। तो अब मतलब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम प्रोटीन है इसके ऊपर, और ऐसे इसको घुमाया गया। तो इसको खोलोगे तो मिलेगा डीएनए, और डीएनए की सेगमेंट को बोलते हैं जीन। क्रोमोसोम, डीएनए एंड देन जीन, दिस इज द सीक्वेंस। क्रोमोसोम बड़ा स्ट्रक्चर, उसको खोलोगे तो मिलेगा डीएनए। डीएनए को भी सेगमेंट्स हैं, उसको बोलते हैं जीन। डीएनए को किसके अराउंड लपेटा गया है? एक प्रोटीन। एंड एडिशनली आपको मैं बता दूं, उसको बोलते हैं हिस्टोन्स। क्यों ऐसा उसके अगल बगल लपेटा गया होगा? टाइम पास के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पूरा ऑक्यूपाई करना है आपकी बॉडी में आप सारा डीएनए। सो इसीलिए क्रोमोसोम कंटेन वेरी टाइटली बाउंड डीएनए। यू मस्ट अनवाइंड द डीएनए। डीएनए को अनवाइंड करोगे, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए रैप्स अराउंड, उसके अगल बगल घुमा के उसको बांधा गया है। और जब उसको खोलोगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा डीएनए का, और उस सेगमेंट्स को बोलते हैं जीन। तो जीन मिल चुकी है, अभी आंसर रेडी हो गया जीन का। पर इसका मतलब ये नहीं कि बॉस को भूल जाओ, क्रोमोसोम को। तो क्रोमोसोम को चलो सीख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रोमोसोम्स। द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स। ओके, it is made up of mainly nucleic acid and the protein. Nucleic acid कौन सा? DNA. Proteins कौन सा? Histone, जिसके अगल-बगल DNA को घुमाया गया, लपेटा गया है। During cell division, chromosomes can be clearly seen under the compound microscope. आपने how can I give you the example? Yes, आपके ईयरफोन होते हैं, उसको कैसे एकदम अगर उसको फेंक दोगे ऐसे, तो कैसे एकदम एक दूसरे से एकदम ऐसे कॉइल हो जाते हैं। फिर आप 5-10 मिनट, आई नो यू ऑल एंजॉय बिकॉज यू ऑल आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट दी मोबाइल्स एंड ईयरफोन। उसमें क्या उसको खोलते हो, कैसा रहता है? उलझा हुआ स्ट्रक्चर रहता है। एक्चुअली वो ऐसा दिखता है। हमारा जो क्रोमोसोम है ना, वो ऐसा दिखता है, पर जब सेल डिविजन होने वाला रहता है तो वो ऐसा दिखता है। क्यों? क्योंकि अब उसको आगे अपनी जर्नी बढ़ानी है, तो वो ऐसा दिखता है। It is out of syllabus, don't go in that deep. Cell division एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स अपने क्रोमोसोम अपने आप को डबल करता है, डबल। तो जब वो डबलिंग की जो प्रोसेस होती है, उस टाइम पे क्रोमोसोम्स कैन बी क्लियरली सीन। जीन विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इन कोडेड फॉर्म आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। व्हाई नॉट? क्रोमोसोम था, खोला, डीएनए मिला, खोला, सीक्वेंस है, उस सेगमेंट है उस डीएनए को, उसको क्या बोलते हो? जीन बोलते हो। तो कहाँ लोकेटेड है? क्रोमोसोम में। एंड दैट्स व्हाई द क्रोमोसोम इज नोन एज द हेरिडिटरी कैरेक्टर फॉर अब ये क्रोमोसोम सब में क्या एक ही नंबर के होते होंगे ऐसा लगता है आपको, लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू चेंज। कहां से ईच स्पीशीज हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमें कितने अपने याद रख लो, दूसरों के बाद में याद कर। अपने कितने मैंने बोले 46, पोटैटो में 42, राउंड होप में 4, फ्रॉग में 26, मेज में 20, क्रैब में 200। और ये एग्जाम में याद करना है क्योंकि आ सकता है, ये टेबल याद कर लेना, अपने याद रख लेना, तो बचे हुए 5 तो याद ही हो जाएंगे, अपने याद रख लो पहले। नाउ क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें। Each chromosome is made up of DNA and appears dumbbell shaped midway during cell division। DNA का बना हुआ वो पता है, dumbbell shape दिख ही रहा है। There is a constricted region on each chromosome. It is called the primary constriction or the centromere. So this part is centromere. This divides the chromosome into two arms. दो parts में divide हुआ। ये centromere के कारण chromosome दो parts में divide हुआ। छोटे वाले arm को बोलते हैं PR, बड़े वाले को बोलते हैं QR। The centromere has the specific position in each chromosome. तो ये जो centromere की position क्या है, depending upon that the chromosomes are divided into 4 types. centromere समझा, ये जो बीच में है इसकी पोजीशन each chromosome पे different specific एक पोजीशन होती है, and depending upon the position of centromere it is divided into 4 classes. Hope you all are sitting with your textbook because ज़्यादा समझ में आएगा in your as your exam point of view. You should know about the different types of chromosome and with their structure. ये डायग्राम आपको पूछा जा सकता है कि with neat labeled diagram explain different types of chromosome. तो अभी पहला मैंने क्या बोला, metacentric। मेटा मतलब middle, centric मतलब बीच में। तो बीच में जब सेंट्रोमियर होगा तो उस क्रोमोसोम को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। देयरफॉर द क्रोमोसोम्स लुक्स लाइक द लेटर V, इज इट और नॉट। द आर्म्स ऑफ दिस क्रोमोसोम आर इक्वल इन लेंथ, बीच में है ना, इसलिए इक्वल है। इसमें कुछ ज्यादा याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है, डायग्राम देख लोगे। मेटासेंट्रिक है मतलब मिडिल में सेंट्रोमियर है, पहली लाइन हो गई V शेप में दिखता है, दूसरी लाइन हो गई और दोनों इक्वल है, तीसरी लाइन, आंसर खत्म। नाउ सबमेटासेंट्रिक। सबमेटासेंट्रिक मतलब नियर टू द मिड पॉइंट, तो ये नियर द मिड पॉइंट होता है। एंड देयरफॉर द क्रोमोसोम्स लुक्स लाइक अ इंग्लिश लेटर L। One arm is slightly shorter than the other. So this is about the submetacentric. इसका डायग्राम अपनी नोटबुक में जरूर बनाओ, वीडियो को पॉज करो और इस डायग्राम को बनाओ और इसके फीचर्स को लिखो। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्रोमोसोम दैट इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या है, द सेंट्रोमियर इज नियर टू द वन एंड, एक एंड की तरफ जा रहा है। एंड देयरफॉर इट लुक्स लाइक अ जे शेप का। सो वन आर्म इज मच स्मॉलर। सी स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड टू मार्क, मतलब एकदम से उसको रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाओ और उसके बारे में लिखो। अरे देख के भी समझ में आ जाएगा, मैम दिस इज लुकिंग लाइक एल शेप, वी शेप, और कौन सा आर्म छोटा है, कौन सा आर्म बड़ा है, बस इतना ही लिखना है। एंड एट द एंड टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक मतलब एट द एंड, एकदम अंत में उसका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। इट लुक्स लाइक अ लेटर आई। And the chromosome consists of only one arm, एक ही साइड में ना, दो आर्म तो रहेंगे नहीं। तो मेटा में क्या था, बीच में था। सब मेटा में क्या था, थोड़ा नजदीक था मिड पॉइंट में। एक्रो में क्या था, टुवर्ड्स एंड था। फिर टीलो में क्या था, एकदम एंड हो गया। ये 4 टाइप्स हैं और इन 4 टाइप्स के आपको डायग्राम याद करने हैं। नाउ दिस इज द See why I am teaching here only because जब हम कल सीखेंगे आने वाले स्लाइड्स में सीखेंगे कि क्रोमोसोम से होने वाले अगर उसमें कुछ डिफेक्ट रहा मतलब आपके हेरिडिटी कैरेक्टर्स में अगर कुछ डिफेक्ट रहता है तो कौन सी डिजीज होती है उसको सीखने के लिए एंड ये स्टूडेंट मोर स्पेसिफिकली विथ ह्यूमंस तो क्या डिजीज होती है उसको सीखने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है ठीक है। अब मैंने क्या बोला 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम। अब डोंट गेट सो बोलते हैं इसको एक थोड़ा एग्जांपल से ही लेना ये मैं बोल रही हूँ ऐसा है नहीं। मान लीजिए जो फर्स्ट है क्रोमोसोम की पेयर इट इज फॉर आई कलर ठीक है आई कलर के लिए तो एक आई कलर के का जो क्रोमोसोम है वो कहाँ से आया पिताजी से। दूसरा वाला लाइट ब्लू वाला आया आपकी मम्मी से। ये दोनों कौन थे आई कलर वाले थे ना आई कलर तो ये लोग जब इकट्ठा हुए तो इनको पता चल गया ओह यू आर आल्सो फॉर आई कलर लेट्स स्टैंड विद ईच अदर तो दोनों एक साथ खड़े हो गए। जैसे ही ये दोनों एक साथ खड़े हो गए इस जोड़ी को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं होमोलोगस। होमोलोगस मतलब चल मैं और तू दोनों एक चीज के लिए कोड कर रहे हैं। अब असर किसका दिखेगा और किसका नहीं दिखेगा वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे छोड़ दो। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये दोनों क्रोमोसोम दे कोड फॉर ओनली वन कैरेक्टर एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज होमोलोगस। जब ये सेट पूरा प्रेजेंट रहता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डिप्लॉइड। सो आर यू अ डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल नाउ यू आर अ डिप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड क्या होता है जब एक ही पैर प्रेजेंट है मतलब ये जब मम्मी और पिताजी ने जब ये आपको डिप्लॉइड सेल बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उसमें वो लोग हैप्लॉइड स्टेज में गए होंगे in order to give you 23 which is going to give you addition of total 46। नहीं समझ रहा है मत जाओ इतना दिमाग में मत दो इतना तो समझा कि ये ह्यूमन कैरियोटाइप है। अब ये तो देख रहा हूँ 23वें नंबर पे 23 नंबर पे दिख रहा है जो एक्चुअली इट इज फॉर योर जेंडर। अगर XX रहा तो वो जो फीटस है वो जो बेबी होगा वो क्या होगी लड़की। अगर XY रहा तो क्या होगा लड़का। इसको क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। बाकी के क्या हैं ऑटोसोम्स। इसको क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। याद आई समझ में आई बात। इस पे मत जाओ हैप्लॉइड में जाओ डिप्लॉइड पे फोकस करो। जिसके पास ये 46 से 23 पेयर पूरे प्रेजेंट है उस सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम ये डिप्लॉइड सेल है। आगे के 22 ऑटोसोम्स है। लास्ट वाला 23 नंबर इज सेक्स क्रोमोसोम। नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। आई हैव मार्क्ड आल्सो ये क्या हो गया सेक्स क्रोमोसोम बिकॉज़ इट इज नाउ गोइंग टू डिसाइड द जेंडर ऑफ दैट पर्सन कि क्या है। XX रहेगा मैंने बता दिया XX रहेगा तो लड़की है XY रहा तो लड़का है। बाकी के क्या हो गए ऑटोसोम। सो दिस इज अबाउट द क्रोमोसोम एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो क्रोमोसोम्स में पहले हमने क्रोमोसोम्स के बारे में जाना उसके बाद उसके पूरे टाइप्स को जाना एंड एट द एंड वी केम टू नो अबाउट द ह्यूमन कैरियोटाइप जिसमें हमने 46 क्रोमोसोम देखे मतलब 23 जोड़ियां देखी जिसमें से 22 इज ऑटोसोम्स एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोम। Next video will start with the double helix model of Watson and Crick. Before going on that topic, please revise everything and draw the diagram of different types of chromosomes. Thank you.